आपकी क्लास साइंस की है। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था, कल उसका बुक वर्क एंड हमारा जो पूरी हमने प्रॉपर उसकी रीडिंग सब कर लिया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा होगा, वो आप मेरे से पूछ लेंगे। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखो बॉडी मूवमेंट्स जो होती है, हम क्या करते हैं, ईजिली मूव कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम वॉक कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग चला सकते हैं। ठीक है ना, हम ईजिली मूव कर सकते हैं। अब जो ये मूवमेंट होता है, अब हम किस में देखते हैं, एनिमल्स भी क्या कर लेते हैं, ईजिली मूव कर लेते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे कैसे होता है, उन डिफरेंटली तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब देखो जो मूवमेंट होता है, बॉडी मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, एनिमल्स प्लांट्स इन दोनों में कैसे कैसे होता है। ठीक है ना, जो बॉडी मूवमेंट होता है, एनिमल्स में अलग मूवमेंट कराता है, जो हमारी बॉडी क्या करती है, जो मूवमेंट करती है वो एनिमल्स में अलग करती है, और किस में, प्लांट्स में अलग करती है। अब हम देखते हैं प्लांट्स में बॉडी मूवमेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, देखो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में बॉडी मूवमेंट होता है कितनी बार। अब जैसे कि जो हमारा क्या है, हमें पता है जो रूट्स है, ये हमारे क्या है, रूट्स, एंड जो ऊपर वाला जो आपका हमारा क्या कहता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से ये निकल रही है। ठीक है ना, ये ऐसे ऊपर जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट सिस्टम। ठीक है, एंड ये क्या होता है हमारा, शूट सिस्टम। देखो पहले हम शूट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। शूट सिस्टम में बॉडी मूवमेंट कैसे होता है, हमारा सनफ्लावर होता है वो क्या करता है, जब हमारा क्या होता है, हाँ यहाँ पे हमारा सनफ्लावर का ये क्या है, फ्लावर है। ठीक है ना, इधर है हमारा, ये फ्लावर है हमारा, और इसका फेस इधर है, इधर। ठीक है ना, इधर से क्या करता है, इस पर सनलाइट आती है, सनलाइट इस पर यहाँ पे आती है, तो वो क्या करता है, सनलाइट की, अब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जैसे कि जो सनफ्लावर का जो फेस होता है वो सनलाइट की क्या होता है, सनलाइट की तरफ ही फेस रहता है, यहाँ से सनलाइट आती है। ठीक है ना, ये सनफ्लावर है, इसका फेस इधर है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सनलाइट इधर से आ रही है तो इसका फेस इधर। ठीक है, अब सनलाइट इधर से आ रही है तो फेस इधर, एंड लास्ट में जब सनलाइट इधर से आ रही है तो उसका फेस क्या हो जाता है, पहले क्या था, ऐसे था, इधर से आ रही है, फिर वो क्या करता है, ऐसे मूव करता 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 इधर मूव कर लेता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये मूवमेंट हुआ, इधर से फ्लावर में मूवमेंट हुआ। ठीक है ना, इधर से क्या हो गया, एक से एक प्लेस से क्या हो गया, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या हो गया, मूवमेंट हुआ, फ्लावर्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। कुछ हमारे फ्लावर्स कैसे होते हैं, जिनको टच करके क्या कराते हैं, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, वो टच करके मुरझा जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है, मूवमेंट उनमें भी होता है। ठीक है ना, अब देखो जो मूवमेंट होता है क्या होता है, टूवर्ड्स लाइट, जो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है किस में, शॉर्ट सिस्टम में, वो क्या होता है, टूवर्ड्स टू लाइट, और वो लाइट कौन सी है, सनलाइट। ठीक है ना, अब जो मूव किसका होता है, रूट का। अब जो रूट क्या करती है, देखो ऐसे रूट बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, अब वो बढ़ती किस चीज़ में, सॉइल में। ठीक है ना, उसको हम वाटर देते हैं, सॉइल से मिनरल्स लेती है, वो वाटर लेके वो क्या करती है, टूवर्ड्स टू किसकी साइड से, सॉइल की साइड से, वो क्या करती है, नीचे नीचे क्या इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो जो रूट में जो मूवमेंट होता है वो किसके होता है, टूवर्ड सॉइल एंड वाटर। ठीक है, अब क्लोजिंग एंड ओपन फ्लावर्स ऑफ अ वाटर, अब क्या बताया था, जैसे कि हमारे कितने फ्लावर्स क्या होते हैं, टच करने पे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनमें भी क्या हो गया, मूवमेंट। अब क्लोजिंग ऑफ लीव, लीव भी क्या होती है, क्लोजिंग हो जाती है, जैसे कि आपका मिमोसा का जो लीव होते हैं। ठीक है ना, इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, टच करने पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ से क्या देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनमें भी मूवमेंट होती है। ठीक है, और बट जो वो मूवमेंट होती है वो कब होती है, किसी एक्सटर्नल से होती है, जैसे कि सनलाइट आया है, वाटर आया है। ठीक है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, लाइक जैसे कि हमारा सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, या हम टच करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली अगर कुछ होता है तो प्लांट्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट इज ईजली, बट जो मूवमेंट होता है ना, हम वो ईजली किसमें, एनिमल्स में हम ईजली मूवमेंट का पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वो चल रहा है, रनिंग करना, ईटिंग करना, ये सब।
अब जो हमारे ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, जॉइंट्स पढ़ते हैं। अब देखो जो है मूवमेंट होता है, मूवमेंट्स जो होते हैं वो होते किस वजह से, जॉइंट्स की वजह से, ठीक है ना। जो ईजिली मूवमेंट हो पाता है वो किसकी वजह से हो पाता है, जॉइंट्स की वजह से। अब जो मोमेंटम होता है, जो बॉडी का मोमेंटम होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। एनिमल्स में जो हो रहा है, एनिमल्स में हो रहा है, या हम किस में, जो लिविंग थिंग्स में, एनिमल्स में जो हो रहा है, तो उस मोशन को, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। अब देखो अब हम क्या पढ़ते हैं, जॉइंट्स पढ़ते हैं। हो पाता है वो किसकी हेल्प से होता है, जॉइंट की हेल्प से, ठीक है ना। अब जो जॉइंट्स होता है वो क्या होता है, द प्लेस क्या होगा, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्ट, ठीक है ना। वो प्लेस क्या होगा, जॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, ठीक है। तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, इनके जो टाइप हैं, वो थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। जो टाइप्स होते हैं जॉइंट के, वो क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। अब थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम वो देखो, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है इमूवेबल, यानी थोड़ा सा भी मूवेबल नहीं है, मूव नहीं करेगा, ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल। एंड ये क्या होता है, मूवेबल, ठीक है। ये क्या हो गया, इमूवेबल, दैट मीन्स वो थोड़ा भी मूव नहीं करेगा। जैसे कि हमारा क्या है, स्कल, इसमें एग्जांपल क्या आता है, जैसे कि जो हमारे क्या होते हैं, माइंड के, जो हमारे सिर के जितने भी हमारे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, इमूवेबल, वो मूव नहीं करते, ठीक है ना। अब इसमें आता है स्लाइटली मूवेबल, मतलब वो थोड़ा बहुत क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। जो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, देखो जैसे कि जॉइंट और बैकबोन, जॉइंट और बैकबोन एंड मूवेबल। मूवेबल में क्या आ गया, जैसे कि हमारा एल्बो। अब देखो जो मूवेबल है वो थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है ना। पहले हम ये दोनों पढ़ते हैं, फिर मूवेबल के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमारा क्या होता है, जॉइंट होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड मूवेबल। जो इमूवेबल होता है उसमें क्या होता है कि जो जॉइंट होता है वो थोड़ा भी मूव नहीं करता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। जैसे हमारा स्कल, दैट मीन्स हमारी जो सिर के जो जॉइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में मूव नहीं करते।
सेकेंड आता है स्लाइटली मूवेबल, वो थोड़ा सा मूव करेगा जैसे हमारा बैकबोन, ठीक है ना। अब आते हैं मूवेबल, मूवेबल होता है थ्री टाइप्स का, ठीक है ना। जो मूवेबल होता है वो होता है थ्री टाइप्स का, हम यहाँ पे देख रहे हैं मूवेबल। मूवेबल क्या है, हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, वॉल वॉल एंड शॉप, एंड थर्ड होता है हमारा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पिवोट इसमें होता है जैसे कि हमारा मूवेबल में थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। पिवोट वॉल एंड क्या होता है, शॉप एंड हिल। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, ये किस किस के एग्जांपल होते हैं, जैसे कि ये होता है नेक का, एंड वॉल एंड्स का होता है हमारे हिप्स का या शोल्डर का, एंड हिल्स होता है हमारा किसका, एल्बो का। अब हम क्या पढ़ते हैं अब हम सबसे पहले अपना क्या पढ़ते हैं, इमूवेबल जॉइंट पढ़ते, ठीक है ना। देखो इमूवेबल जॉइंट क्या बता रहे हैं, जो थोड़ा सा भी क्या नहीं करता, मूव नहीं करता, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। दे आर आल्सो, अब जो इमूवेबल जो जॉइंट होता है हम उसको फाइबर्स मूवमेंट, फाइबर्स जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। दे नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, जो जॉइंट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स जॉइंट, क्योंकि उसमें क्या नहीं हो रहा, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है ना, द जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड एक्सेप्ट्रा, ठीक है। अब आता है हमारा स्लाइटली मूवेबल, सेकंड क्या आ गया हमारा, स्लाइटली मूवेबल ऑल्सो कॉल्ड ग्लीडिंग मूव जॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लीडिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं। एंड जो हमारा इमूवेबल था उसको क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट एंड फाइबर्स जॉइंट, ठीक है। अब जैसे कि इसको क्या करते हैं, ये अलाउ करता है किसमें, थोड़ा सा लिटिल, ये क्या करता है, अलाउ करता है थोड़ा सा मूवमेंट, दैट मीन्स लिटिल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैकबोन, रिस्ट एक्सेट्रा। अब आता है थर्ड मूवेबल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट में क्या बताया है, हमारे तीन जॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या होगा, फर्स्ट क्या होता है, मूवेबल जॉइंट होगा हमारा जो क्या कराता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट आता है पाइवोट जॉइंट, वो कहाँ होता है, हमारा यहाँ पर नेक में होता है, ठीक है ना। जो हमारी ऐसे नेक जाती है ना, तो यहाँ पे जो हमारी नेक है वो क्या करती है, आप इजिली इधर उधर लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं, अपर एंड हम क्या कर सकते हैं, लो देख सकते हैं, तो वो किस वजह से देखते हैं, इसी जॉइंट की वजह से देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस जॉइंट, ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बॉन, क्या होती है, सिलेंड्रिकल बॉन होती है जो रोटेट करती है किसमें, एक रिंग में, ठीक है ना। ये क्या होती है, देखो वो ऐसे थोड़ा होती है ना, और ऐसे हमारा क्या रहता है, स्कल हमारा जो है स्कल रहता है, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, जो ये हमारा सिलेंड्रिकल क्या है, जो बॉन है वो यहाँ पे अटैच है, दैट मीन्स जो ये हमारा बॉन जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से, और जो ये हमारा पूरा सर अटैच है ना इसमें, तो इस जॉइंट को क्या बोलते हैं ना, इस जॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, एल्बो जॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कराता है, ये इसी जॉइंट की वजह से क्या कराता है, बॉडी जो हमारा, हम क्या कर सकते हैं, इजली लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, साइड टू साइड देख सकते हैं, किस जॉइंट की वजह से, इसी जॉइंट की वजह से। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल जॉइंट क्या होता है, रिंग के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, बॉल एंड शॉप जॉइंट। अब ये बॉल एंड शॉप जॉइंट क्या होता है, एंड ये किस में, किस किस में होता है, में क्या करते हैं हम, इसमें ना एक बॉल, इसी जैसे कि क्या होता है, इन दिस जॉइंट राउंड हेड, ठीक है ना, एंड वन बॉल, एक ना सर्कल टाइप होती है, ठीक है। देखो जैसे कि क्या है, एक बॉल टाइप हमारी क्या है, बॉल है, ये है, तो ये क्या होती है, एक कप की तरीके से क्या होती है, इसके साथ में अटैच होती है, ठीक है ना, एज ए कैविटी, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, हमारा एक सर्कल है, एंड ये इसके साथ में क्या होगी, ऐसे अटैच होगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। इन दिस जॉइंट द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन, उसमें क्या होता है, वन राउंड हेड होता है, ठीक है ना, एक राउंड, एक सर्कल की तरीके से, एक बॉल की तरीके से होता है, एंड वो जो वो बोन की तरीके से जो बोन होती है वो क्या होती है, दूसरी बोन के साथ एज लाइक कप की तरीके से क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है, और वो मूव कराती है, ठीक।
इट्स अलो रोटेशन इज अ कम्प्लीटली सर्कल, और वो क्या कराती है, अलो कराती है कम्प्लीटली सर्कल कराने के लिए. कैन यू मेक अ बिग सर्कल इन एयर मूवमेंट इन योर आर्म्स, जो हम क्या करा सकते हैं अपनी आर्म्स को ऐसे, हम जो सर्कल कराते हैं ना वो किस वजह से, किस उससे कराते हैं, जॉइंट की वजह से, इसी जॉइंट की वजह से कराते हैं जो हमारा शोल्डर के पास में होती है. अब ये होती कहाँ कहाँ पे, हमारे शोल्डर्स में होती है एंड हमारे हिप्स पे होती है. ठीक है, अब आता है जो उसका थर्ड पॉइंट, अब आता है हम इसी में ही क्या करेंगे थर्ड, अब आता है हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट क्या होता है देखो, जिसकी वजह से क्या कराता है, ये केवल मूवमेंट कराता है एक डायरेक्शन में. ठीक है ना, देखो जो हमारा सेकंड था उसमें क्या करा रहे थे, हम मूवमेंट करा रहे थे पूरा एक सर्कल लाइक. ठीक है ना, जैसे कि सर्कल मूव कराता है, और इसमें हम मूव कैसे कराएंगे, जैसे कि जो क्या कराता है केवल एक डायरेक्शन में, जैसे कि हमारी एल्बो है केवल इसी डायरेक्शन में क्या कराती है, मूव कराती है. ठीक है ना, देखो जैसे कि गेट होता है, ठीक है गेट होता है वो केवल इसी एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, बंद होता है. ठीक है ना, ओपन कर लो एंड क्लोज कर लो, ओपन कर लो एंड क्लोज कर लो. ठीक है ना, इसी तरीके से ये क्या होता है, ये जॉइंट होता है वो क्या होता है केवल एक डायरेक्शन में होता है. ठीक है ना, द वर्क लाइक एज अ किसकी तरह, हिंग्स ऑन द डॉट, वो क्या करता है हिंग्स ऑन द डॉट, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, हिंग्स जॉइंट है. ठीक है, जैसे कि जो हमारा नीज हो गया, एल्बो हो गई, कहाँ पे होते हैं, नीज पे होता है और एल्बो पे होता है. ऐसे हम क्या कराते हैं केवल, देखो इसको एक ही डायरेक्शन में हम क्या करा सकते हैं, खोल सकते हैं. तो जो यहाँ पे एल्बो में जो हमारा जॉइंट होता है, नीज में जो हमारा जॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा हिंग जॉइंट कहलाता है. वो क्या करता है, मूव करता है केवल एक ही डायरेक्शन में. तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जॉइंट कम्प्लीट हो गया. अभी हमने क्या पढ़ा, जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, इनमूवेबल, सेकंड स्लाइटली मूवेबल, एंड थर्ड क्या होता है, मूवेबल. देखो जो इनमूवेबल होता है दैट मीन्स उसमें कोई भी मूव नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, जैसे हमारा स्कल. ठीक है ना, सेकंड आता है स्लाइटली मूवेबल, उसमें क्या होता है, लिटिल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो लिटिल मूवमेंट करती है, जैसे कि हमारा जॉइंट ऑफ बैकबोन. ठीक है, एंड थर्ड आता है मूवेबल. मूवेबल में हमने तीन चीज़ पढ़ी है, पाइवट, बॉल स्टॉक एंड हिंग. इसमें क्या करते हैं, हमारा जो नेक होता है, ठीक है ना, हम इजीली क्या करा सकते हैं, अपनी नेक को लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, वो किस वजह से होता है, इसी जॉइंट की वजह से. फिर सेकंड आता है बॉल एंड चॉप, उसमें क्या होता है, एक बॉल लाइक बॉन होती है हमारी, एंड कप लाइक की तरीके से जो हमारी फूटनी बॉन होती है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है. ठीक है ना, लाइक एज अ ग्रेविटी, और वो क्या कराती है, ईजिली मूव कराती है, ये पूरा एक सर्कल मूव करा सकती है, जैसे कि हम अपने हैंड्स को इस तरीके से क्या कराते हैं, पूरे सर्कल में मूव कराते हैं. और ये होती कहाँ कहाँ पे, हमारी शोल्डर्स में एंड हिप्स में. फिर थर्ड आती है हमारी हिंग मूवमेंट, ये क्या कराती है, ये क्या कराती है, केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है, और ये होती कहाँ कहाँ पे, हमारी एल्बो में एंड नीज. यहाँ पे हमारा जॉइंट हो गया फिनिश. अब हम देखते हैं, देखो फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होता क्या है एंड क्या होता है, जब डिसलोकेशन और फ्रैक्शन ऑफ बोन. ठीक है ना, डिसलोकेशन से मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, अपनी जो उसकी जो जहाँ पे वो होती है ना उससे क्या थोड़ा बहुत ना आगे पीछे हो जाती है. ठीक है ना, एंड फ्रैक्चर. ठीक है ना, देखो हम क्या करते हैं, जो हमारी मैनी टाइम्स ड्यू टू एक्सीडेंट बोन्स गेट ब्रोक और डिसलोकेशन, वो क्या हो जाती है, डिसलोकेशन हो जाती है या वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. ठीक है ना, ब्रोक हो जाती है, उसमें क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्वेलिंग एंड लॉट ऑफ पेन हो जाता है. ठीक है ना, अब इसको ही हम क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्चर बोलते हैं. ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं. अब फ्रैक्चर का पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में, बॉडी किस बॉडी पार्ट में, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे और हम नीचे गिर गए और हमारे हाथ में चोट लग गई. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो हाथ की जो इस यहाँ की जो बोन है वो क्या हुई है, ब्रोक हुई है या नहीं हुई है, फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, डिसलोकेशन वो हुई है या नहीं हुई है. हम किससे पता करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा क्या करता है, एक्सरे. अब ये एक्सरे क्या होता है, ठीक है ना, एक्सरे में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या डाली जाती है, एक्स रे डाली जाती है, जो क्या कराती है, टिश्यू को टिश्यू में से पास आउट होती है. हमारी बॉडी में क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, देन हम क्या होती है, बोन्स होती है. अब जो ये एक्स रे होती है, ठीक है ना, वो क्या कराती है, टिश्यू से पास आउट हो जाती है, बट वो बोन्स को पास आउट नहीं कर पाती है. ठीक है ना, जिससे कि क्या होती है, हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, हमें क्या करता है, एक पेपर पे हमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है हमारे स्केटल का. ठीक है ना, क्योंकि जो एक्स रे होती है वो बोन्स में से पास आउट नहीं होती, और वहाँ से हमें पता चल जाता है, जैसे कि हमने इस पोर्शन का क्या किया, एक्सरे किया. ठीक है ना, हम यहाँ से एक्सरेज डालते हैं किस पे, इतने पोर्शन पे, और वो टिश्यू को पास आउट करके बोन्स को पास आउट नहीं कर पाती, और जहाँ पे फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना, वहाँ से क्या कराती है, देखो जैसे कि आपका क्या है, ये आपकी हाथ की बोन है. ठीक है ना,
और ये क्या होगी, ऐसे ट्रे होगी, ठीक है। ये क्या है आपकी बोन है और ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर एक्सरे डालते हैं, और तो क्या करेगी, जो हमारी एक्सरे होती है वो टिश्यू को पास आउट कर सकती है बट बॉन्स को नहीं करती, और जहाँ पे ये स्पेस होता है तो वो क्या है ऐसे पास आउट के सीधा निकल जाती है, और हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, हमें बॉन्स की जगह पे यहाँ पे गैप नजर आता है। और जब वो गैप नजर आता है तो डॉक्टर क्या कर लेते हैं, उसको एग्जामिन कर लेते हैं कि यहाँ से क्या है आपकी जो बोन है वो ब्रेक है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से क्या पता चलता है कि जो हमारी बोन होती है वो कैसे क्या होती है, फ्रैक्चर हमारे कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता, तो वो हमें क्या होता है एक्सरे के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है ना, इट इज़ अ शॉर्ट, वो क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो अटैच कराता है किसको, बोन्स को। एक मिनट हुआ, तो कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो प्रोटेक्ट कराता है किसको, बोन्स को, ठीक है ना। कार्टिलेज इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू अटैच टू बोन्स, जो क्या होता है बोन्स के साथ में अटैच होता है, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, बोन्स को, एंड मूव कराने में क्या कराता है, हेल्प कराता है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं किस में, बोन्स में और कार्टिलेज में कि डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो हम एक साइड बोन लिखते हैं, एक साइड क्या कराते हैं, कार्टिलेज। यहाँ पर हमारा बोन का पार्ट एंड किसका आ गया हमारा, कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, जो बॉन्स होती हैं हमारी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एंड ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। एंड ये क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, एंड ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल मीनिंग वो मतलब आप उसको अगर हम उसे थोड़ा दबाते हैं ना तो वो ईजिली ना क्या हो जाती है, प्रेशर करते हैं तो वो हो जाती है, ठीक है ना। और बोन हमारी आ रही है तो वो नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या है, नॉन फिक्सेबल है एंड ये फिक्सेबल है। सेकंड थर्ड आता है जो कंपोजाइट बनता है, मतलब जो ये बनती है, जो बॉन्स बनती है वो किससे बनती है, कैल्शियम फास्फोरस से, एंड ये किससे बनती है, प्रोटीन एंड शुगर से, ठीक है ना। ये किससे बनती है, कैल्शियम फॉस्फोरस से बनती है, एंड वो किससे बनती है, प्रोटीन एंड शुगर से बनती है। अब देखते हैं कि जो बोन्स क्या कराता है, मेक कराता है स्केलेटन को, एंड कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, बोन्स को। देखो ये क्या कराता है, स्केलेटन को बनाता है, एंड ये क्या करता है, हेल्प कराता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है किसको, प्रोटेक्ट ओवर बॉन्स, ठीक है। तो ये क्या था, डिफरेंस था किस किस के बीच में, बॉन्स के बीच में एंड कार्टिलेज के बीच, ठीक है ना। देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है जो बॉन्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एंड जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। सेकेंड क्या होती है, वो नॉन फिक्सेबल होती है, सॉरी फ्लेक्सिबल होती है, एंड ये क्या होती है, जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जो थर्ड क्या डिफरेंस है, देखो थर्ड में क्या कहता है कि जो बॉन्स बनी हुई होती है, जो हमारी क्या करती है, बॉन्स बनती है वो किससे बनती है, हमारी कैल्शियम फास्फोरस से बनती है, एंड जो कार्टिलेज होता है वो किससे बनता है, प्रोटीन एंड शुगर से बनता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन, स्केलेटन दैट मीन्स जो हमारा कंकाल तंत्र, जो हम मतलब जो हमारी फुल एंड बॉडी का बॉन्स मिला के जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनता है ना, ठीक है ना, विदाउट टिश्यूज स्किन्स वगैरह, ये क्या कह रहे थे, स्केलेटन कहलाता है, ठीक है ना। वो तो क्या बनाता है, बोन्स मेड अप ऑफ स्केलेटन, एंड जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको, बोन्स को, ठीक है। तो ये क्या था, डिफरेंस था किस किस के बीच में, बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच में। देखो अब आपके क्या है क्वेश्चन है, लेट अस रिव्यू में, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। फर्स्ट में क्या है, वाटर जॉइंट, जॉइंट क्या होता है, जो क्या होती है, कनेक्ट होती है, क्या बोन्स कनेक्ट होती है, ठीक है ना, एक ऐसी जा रहे वो क्या होती है, बॉन्स कहलाता है, जॉइंट कहलाता है हमारा। सेकेंड, वाई आर वी एबल टू फोल्ड आर आर्म्स, हम अपनी आर्म्स को फोल्ड कैसे कर लेते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, कौन सा जॉइंट होता है, हिम जॉइंट की वजह से।
हाउ इज अ हिंज जॉइंट डिफरेंट फ्रॉम अ बॉल एंड द स्क्वाटर जॉइंट, वो उससे कैसे डिफरेंट है। देखो हिंज जॉइंट में क्या करते हैं, केवल डायरेक्शन एक जो हम मूवमेंट करते हैं केवल एक डायरेक्शन में करते हैं, एंड उसमें हम क्या करते हैं अपनी जो हमारे हैंड्स होते हैं या लेग्स होते हैं उनको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लोइंग। अब देखो जो बैकबोन होती है, बैकबोन कौन सा पर वो होता है, टाइप होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। एंकिल क्या होती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। एल्बो होती है, एल्बो को भी बताया था, एल्बो एंड नी हिंज जॉइंट्स। नेक क्या होती है, प्रोविट जॉइंट। रिस्ट क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। हिप्स क्या होती है, बॉल एंड स्कॉल्टन जॉइंट। एंड शोल्डर क्या होता है, ये भी बॉल एंड स्कॉल्टन जॉइंट। ठीक है ना, अब हमारे देखो टिप ऑफ फिंगर, टिप ऑफ फिंगर कौन सा जॉइंट होता है, टिप ऑफ फिंगर्स, ये आपको खुद बताना है। अब देखो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, अब हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट। ठीक है, आप एक काम करना, आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करना और जो ये क्वेश्चंस हैं उनको कॉपी में करना, और जो नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ लेना। आज की हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, इसका नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ह्यूमन मूवमेंट एंड ह्यूमन बॉडी मूवमेंट एंड एनिमल्स मूवमेंट, फिर क्या पढ़ेंगे आप मूवमेंट एंड मसल्स। आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे से पूछ लें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड बाय।